गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू आवर टू डेज क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल. हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फिटिंग फाइन इट योर होम. स्टूडेंट्स, आज हम पोएम लर्न करेंगे. हमें बहुत दिन हो गए हैं ना पोएम लर्न करें, सो आज हम पोएम लर्न करेंगे. ओके, पेज नंबर 4 पर हमारी पोएम है 5 Current Buns. आपको आज कौन सी पोएम लर्न करनी है? 5 Current Buns मीन्स एक बेकर के पास 5 Current Buns है. बंस मीन्स होता है कि वो जो ब्रेड रहते हैं ना, उसे हम बंस बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पर हम बंस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, कि एक बेकरी पर 5 Buns थे, तो उस बंस के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है, ये हम इस पोएम में लर्न करेंगे. ठीक है, सो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट. 5 Current Buns इन अ बेकर्स शॉप. देखिए, इसमें बताया गया है कि 5 Current Buns है इन बेकर शॉप. एक बेकरी थी, उस बेकरी पर 5 Current Buns थे. क्या थे उस बेकरी पर? 5 Current Buns. बंस मीन्स होता है ब्रेड. वहाँ पर उस बेकरी पर क्या थे? 5 ब्रेड थे. ओके, बिग एंड राउंड विथ ए चेरी ऑन टॉप. देखिए, वो बंस कैसे थे? बिग एंड राउंड, वो गोल थे एंड बिग थे. आपने बर्गर देखा है, वो बर्गर पाव जैसे बिग थे. बंस कैसे थे? गोल थे एंड बिग थे. ठीक है, सो उस और उसके ऊपर क्या लगा हुआ था? चेरी. ये देखिए, इस पिक्चर में नीचे दिए हुए हैं, ये बंस दिए हुए हैं, उन बंस पे क्या लगी हुई है? चेरी. जैसे कि हम केक लाते हैं ना, कप केक, तो कप केक में ऊपर क्रीम रहती है और अंदर क्या रहता है? ब्रेड बंस रहते हैं. सो उस ब्रेड के बंस के ऊपर क्या लगे हुए थे? चेरी लगी हुई थी. ठीक है, देखिए आप इस पिक्चर में अच्छे से देखिएगा कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है और कैसे बंस है ये. इसमें बंस भी दिखाए हुए हैं, आप बंस देखिएगा अगर किसी ने कप केक नहीं देखे हैं तो. अलोंग केम ए बॉय विथ अ पैनी वन डे. एक दिन ये बॉय पैसे लेकर उस बेकरी पर गया. ठीक है, एक दिन ये जो बॉय खड़ा है ना, ये बॉय पैसे लेकर बेकरी पे गया. जैसे आप भी जाते हैं ना बेकरी पे, कभी कुछ लेने, कभी केक लेने, कभी टॉफीज लेने, कभी ब्रेड लेने, बिस्किट्स लेने, आप भी जाते हैं बेकरी पर. तो ये बॉय भी कुछ पैसे लेकर बेकरी पर गया. ओके, बॉट अ करंट बन एंड टुक इट अवे. वो लड़का जो पैसे लेकर आया था, उसने 5 में से 1 बंस परचेस कर लिया. उसने क्या किया? वो पैसे लेकर आया था शॉप पर, तो उस बेकर्स के पास 5 बंस थे, उसमें से 1 बंस तो उस बॉय ने परचेस कर लिया, उसने खरीद लिया उसको. ठीक है, आप भी जाते हैं शॉप पे, आप भी पैसे लेकर जाते हैं, तो फिर वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं ना. तो ये जो बॉय खड़ा है, इसने क्या किया कि देखो, बॉट अ करंट बन एंड टुक इट अवे. उसने एक बन खरीदा और वो लेकर चला गया. उसने एक बन खरीदा और उसे लेकर वो चला गया. तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बेकरी थी, उस पर 5 बंस थे. क्या थे? बंस. बंस मीन्स जो छोटे छोटे ब्रेड के वो रहते हैं ना, बंस, वो थे. आपने ब्रेड इट किया है तो आपने देखा ही होगा बंस कैसा होता है, बिग एंड राउंड. आपने बर्गर देखा है कैसा होता है, वो बिग एंड राउंड. तो वो बर्गर जो है बिग था एंड राउंड शेप का था. लॉन्ग कैम ए बॉय विथ अ पैनी वन डे. उस बॉय ने क्या किया? वो बॉय बेकरी पर गया पैसे लेकर. पैनी मीन्स होता है पैसे, कॉइन्स, सिक्के. ठीक है, वो पैसे लेकर बेकरी पर गया और उसने वहाँ जाकर बॉट अ करंट बन एंड टुक इट अवे. उसने वहाँ से बन परचेस किया, बन को खरीदा और खरीद के वो चला गया घर. ठीक है, अब हम इस पोयम को अच्छे से एक बार लाइन वाइज बोलेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 5 Current Buns इन बेकर शॉप, बिग एंड राउंड विथ अ चेरी ऑन टॉप. Along came a boy with a penny one day, bought a currant bun and took it away. Students, आपको भी ये poem अच्छे से learn करनी है. आपकी book में page number है 4. Page number 4 पर आपकी book में poem है 5 Current Buns. ये आपको learn करनी है. आज कल में संडे तक ये learn हो जानी चाहिए आप. ठीक है, अब student, ये जो boy खड़ा है, यही
इसी की पोयम, इस लड़की की ये पोयम है जो ये खुद बोलकर सुनाएगा आपको. ओके सो लेट्स स्टार्ट. Five currant buns in a baker's shop, big and round with a cherry on top. Along came a boy with a penny one day, bought a currant bun and took it away. सो स्टूडेंट्स, आपको भी ऐसे ही इस पोएम को लर्न करना है और इसने सुनाई है ऐसे ही आपको भी ये सुनानी है. ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.